कोरोना संक्रमण के चलते रेड जोन बने अजमेर के दरगाह इलाके में लगातार पॉजिटिव मिलने के बाद हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही। इसी को देखते हुए आज अजमेर एसपी को राजदीप एक बार फिर दरगाह बाजार पहुंचे और दरगाह कमेटी के साथ ही अजुमन कमेटी, दरगाह दीवान के प्रतिनिधि व खादिम के साथ मुलाकात करते हुए उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान अजमेर एसपी को राजदीप ने बताया कि दरगाह क्षेत्र में लगातार पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, इसका कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करना है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शुरू से ही कर्फ्यू लगाया गया है और अगर जनता का सहयोग नहीं मिला तो यह कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा, जिससे यही कि जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी को सहयोग देने की आवश्यकता है, इसीलिए आज समाज के सभी प्रभुजनों के साथ ही खादिम समुदाय के लोग अजुमन दरगाह कमेटी, दरगाह दीवान सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों से निवेदन किया गया कि वह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए लोगों को जागरूक करें और उन्हें दूर रहने की हिदायत दें, जिससे कि कोरोना संक्रमण ना फैल सके। दरगाह क्षेत्र में लोग अपने नजदीक घर होने के चलते और छतों से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जहां पुलिस को लगाना संभव नहीं है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं और पिछले कई दिनों में हमने ये नोटिस किया है कि लोग चुपचाप अपने घरों की छतों से एक दूसरे के घरों में आने जाने की कोशिश करते हैं। तो जो इलाके के मौजूद लोग हैं उनको बुला करके मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम नॉर्मली रोड और गलियों तक तो पुलिस देख लेती है, लेकिन अगर छतों से लोग एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू कर दें या फिर चुपचाप आने जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे केवल तभी रोका जा सकता है जब व्यक्ति समझ जाए कि मेरे घर में आने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है, इस समय मेरा दुश्मन है और वो हो सकता है कोरोना को लेकर के मेरे घर आ रहा हो। ये चीज़ यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बात हुई है, उनको मैंने निवेदन किया है कि आप कृपया इसे हर एक व्यक्ति के दिमाग तक पहुँचाने का श्रम करें, क्योंकि हर जगह पर पुलिस की सख्ती से काम हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर जब अपना ही साथी कोई बताता है तो कई बार ज़्यादा आसान हो जाता है समझना। तो इन लोगों ने मुझे सहयोग करने के लिए हामी भरी है। ये सभी लोग जो है अपने क्षेत्र के लोगों को समझाएंगे कि भाई किसी भी तरह का मिलना जुलना, चोरी छुपके मिलना जुलना या फिर मौका देख करके पुलिस के दूसरी तरफ घूमते ही मिलने की कोशिश करना, उन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर हमें इस क्षेत्र को कर्फ्यू से मुक्त करना है तो ये जागरूकता उनके बीच में लानी ज़रूरी है ताकि नए पेशेंट्स नहीं बढ़ें और इलाके में जो कोरोना फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस दौरान समस्त दरगाह से जुड़ी सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अजमेर एसपी को आश्वास किया कि वह सरकार व प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यह आवश्यक भी है। ऐसे में सभी से निवेदन है कि वह इसकी पालना करें। आज एसपी साहब ने दरगाह बाजार में इस एरिए से जुड़े हुए जिम्मेदार लोगों की मीटिंग ली है। उसमें एसपी साहब ने कई तरह के कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं, दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस दरगाह बाजार के जुड़े हुए जितने भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ के निवासियों से अपील करता हूँ कि आप लोग किसी भी कीमत पे अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने घरों में अगर नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं तो वो भी आपस में गैप रख के सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए नमाज़ें पढ़ें। रोज़ा जिस वक्त खोल रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, उस वक्त भी आप लोग अलग अलग कोशिश करें कि हम बच्चों को सबको अलग अलग लेके बैठें। जो भी जितने भी जिम्मेदारान हैं जिनके घर आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे घरों में ना जाएं। इवन इस वक्त कोशिश करें कि हम अवॉइड करें कि अपने किसी भी रिश्तेदार से भी मिलें तो उससे फ़ोन पे ही बात करना उचित समझें, क्योंकि कोई भी कोरोना का कैरियर बनके आपके घर पे आ सकता है। तो इस अवेयरनेस को कायम करने के लिए यहाँ के तमाम जिम्मेदारान को लेकर के एसपी साहब ने आज मीटिंग ली, उनको डायरेक्शन भी दिए, दिशा निर्देश दिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस एरिए में, मोहल्ले में, गलियों में जाकर लोगों को जागरूक करें कि हम इस कोरोना वायरस से बचें, क्योंकि जब तक यहाँ से केस कम नहीं होंगे जब तक हमारे एरिया से कर्फ्यू नहीं हटेगा और ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से, शहरवासियों से भी, देशवासियों से भी और हमारे एरिया के लोगों से, खासतौर से दरगाह बाज़ार के एरिया के लोगों से अपील करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें, चाहे वो रोज़ा खुलते वक्त हो, अफ्तारी के वक्त हो, चाहे नमाज के वक्त हो, चाहे आपस में एक दूसरे से शिष्टाचार भेंट भी हो, तो उसको अवॉइड कर दें ताकि हमारा ये एरिया जल्द से जल्द वापस से रेड जोन से ग्रीन जोन में आए और हम लोग वापस से पुराने जैसे खुशहाल ज़िंदगी जी सकें।